हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये है नवरात्रि के पहले दिन का ब्लॉग, जो कि मैं आप लोगों के से शेयर कर रही हूँ कि मैंने कैसे की पूजा, कैसे कलश स्थापना की। बस सिंपल ही करती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं कर पाती हूँ। जो भी करती हूँ ऐसे ही मेरे गांव में होता है, मेरे घर में होता है, तो शुरुआत से मैं ऐसे ही करती चली आ रही हूँ, तो ऐसे ही करती हूँ। और भी आप लोग बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, अच्छे से अच्छा मैं और भी करने की कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए, दिखाऊँगी आप लोगों को कि कैसे मैं और अच्छे से अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन जो भी करती हूँ मतलब ऐसे ही मेरे यहाँ शुरुआत से होता है, तो मैं वही आप लोगों को दिखा रही हूँ मैंने कैसे की अपनी पूजा, माता रानी का मैंने आगमन कैसे किया, कैसे उनको अपने घर बुलाया। तो ये देखिए मैं पहले क्या कर रही हूँ, कलश स्थापना के लिए मेरे यहाँ एक पीतल का लोटा है ना, पीतल का, तो वही लोटे पे मैं अपना गाय का गोबर है उसी से मैं अपनी उसको अच्छे से उस पर ड्रा कर रही हूँ कि अच्छे से उसकी गुथाई कर दे रही हूँ। मेरे यहाँ बोला जाता है कि मतलब कलसे पे अगर गाय के गोबर से गुथाई होती है और उस पर फिर जौ की जो जौ के बीज होते हैं ना, उसी को मतलब उस पर लगाया जाता है, जौ लगाया जाता है, तो माता रानी विराजमान होती हैं कलसे पर, वही बोला जाता है। तो उनके लिए उसको तैयारी, उसको सजाया जाता है कलसे को कि अच्छे से अच्छा सजा दिया जाए। तो मैं इस पर पहले मैंने क्या किया है, उसको अच्छे से गोबर से कर दिया, फिर उसके बाद कलश स्थापना के लिए मैं थाली तैयार कर रही हूँ। थाली पे गोबर लगा रख दिया, उसके बाद फिर गाय का गोबर रख दिया, फिर उसको फूलों से चारों ओर से अच्छे से डेकोरेट कर ले रही हूँ। पहले मैंने सोचा रंगोली से कर दूँगी, लेकिन रंग फूल थे मेरे पास तो मैंने फूल से ही कर दिया। फूल से थाली और अच्छी लग रही थी कलश स्थापना के लिए, तो मैंने फूल ही से कर दिया सारा। और उसके बाद फिर मैंने जौ के बीज हैं, सारे जौ के बीज मैंने पूरे कलसे पे चारों तरफ से अच्छे से लगा दिया, एकदम पूरे चारों तरफ से एकदम अच्छे से लगा के देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फिर मैंने सोचा ना ये इसमें रंगोली भर दूंगी, लेकिन रंगोली इसमें अच्छे से आ नहीं रहा था, तो वो मेरा क्लिप सूट नहीं हुआ, उतना बीच में अधूरा रह गया। तो मैंने इधर थाली लगा के उसके बाद फिर कलश स्थापना के लिए रख दिया था। फिर मैंने सोचा ना सूट हो रहा है, लेकिन सूट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्यों बंद हो गया था अपने आप। तो बाद में देखा तो सूट ही नहीं हुआ था, तो इसी वजह से नहीं वो क्लिप आ पाया, थोड़ा सा बीच में छूट गया था। तो जो भी है उसके लिए माफ़ करिएगा, अब आगे देखिए कंटिन्यू वीडियो। तो उसके बाद मैंने क्या किया, माता रानी का जो कलसा था उसको रख दिया, और उस पर उसके बाद दीपक रख दिया, चावल भर के कटोरी में रख दिया। अब इसको मैं डेकोरेट और करूँगी। पहले मैंने नारियल चुनरी मंगाई थी ना, तो उसको मैं अच्छे से बांध दूँगी, बांध के उसके बाद मैं बांधने से पहले एक चीज़ भूल गई थी, वही चंदन लगाना, उसमें स्वास्तिक बनाना, तो वही मैं स्वास्तिक बना रही थी उसके ऊपर, जो कि 9 दिन का प्रसाद होता है नारियल। तो यही नारियल का प्रसाद 9वें दिन तक सबको दिया जाता है कि 9 दिन का पूरा ये प्रसाद है माता रानी का, तो हम लोग यही 9वें दिन प्रसाद में खाते हैं। तो वही मैं उनके चरण स्पर्श करा के वहाँ पे रख रही थी। नीचे मैंने एक पाटा बिछा रखा है, उस पर मैं माता जी का जो नारियल प्रसाद वाला वो रखूँगी, और उसमें फिर रोली चंदन हर जगह लगाऊँगी। पूरे जो आम के पत्ते हैं मैंने धुल के रख लिए थे, तो सारे आम के पत्ते पे मैंने पूरे लगा रही हूँ रोली चंदन, और सारी माता जी को, सारे भगवान जी को लगा रही हूँ, दीपक पे लगाई हूँ, और चावल की कटोरी जो अन्य देवता की होती है उस पे लगाई है, लगाई हूँ, और कलसे पे लगाई हूँ, थाली पे लगाई हूँ, सब जगह जो पूजा करने वाली चीज़ होती सब पे मैंने लगाया। और उसके बाद मैं अच्छे से एकदम डेकोरेट कर दूँगी। अभी आप लोग देखिएगा ना कलसे इतना सुंदर लग रहा है ना कि क्या बताऊँ। ये देखिए मैंने चारों ओर से पूरे गेंदे की माली, मेरे यहाँ मालिन आती हैं फूल देने के लिए, तो वो सुबह सुबह लेके आई थी मालिन, फूल देके चली गई थी मेरे यहाँ, तो मैंने तब पूजा नहीं किया था जब सुबह आई थी वो, तो मैंने सोचा अच्छी है, अच्छा बात है, और लेट हो गया था थोड़ा कल मुझे पूजा करने में, इसी वजह से मैं पूजा नहीं कर लेट में की, तो मैंने पूजा नहीं किया था। तो मालिन आई थी फूल देके चली गई थी वो अपना, तो मैं सारे जगह से अच्छे से पूरा एकदम फूल से डेकोरेट कर दूँगी, पूरा जो माता जी का कलश वलश सब कुछ पूरा एकदम अच्छे से डेकोरेट कर दूँगी फूल से।
देखिए मैंने पूरा कलश अच्छे से एकदम सजा दिया है। अभी आप लोग देखिएगा ना, इतना सुंदर लग रहा है मेरा कलश कि क्या ये बताऊँ। कैमरे में उतनी अच्छे से नहीं आ रहा था जितने अच्छे से सामने देखने पे लग रहा था। बहुत ही सुंदर सजा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। चारों तरफ से फूल लगा दिए थे मैंने ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और सारे देवी देवताओं को भी मैंने फूल लगाया। देखिए अच्छे से मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की है कि मतलब मैं अपने मंदिर को अच्छे से अच्छा सजा सकूं, अच्छे से अच्छी पूजा कर सकूं। और मैं अपने भगवान जी को मैं जब भी नवरात्रि का व्रत रखती हूँ ना, तो जब भी क्या मतलब हर साल रखती हूँ तो मैं ऐसे ही पूजा करती हूँ हमेशा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि फूल नहीं मिल पाता है। फूल मेरे गांव में जो है बहुत ही कमी लोगों के यहाँ है, तो मिल नहीं पाता है। तो मुझे मम्मी जो है मालिन को बुलाते हैं, मालिन को ये कहती हैं कि मतलब फूल ला के दे दिया करो हरदम, हर रोज़ जब तक नवरात्रि है तब तक ला के दे दिया करो रोज़ ही 9 दिन। तो मालिन का दूर घर है, लाने में दिक्कत होती है उनको, और बूढ़ी भी हो गई है तो दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी बेचारी किसी तरह से लेके आती रहती हैं, दे देती हैं। तो मैं वही लेके आई थी और उसके बाद फिर मैंने अपनी पूजा स्टार्ट कर दी थी। सारा मैंने पहले तैयारी करके नहीं रख पाई थी क्योंकि सुबह सुबह मैं अपने सुबह सुबह एकदम भोर में तैयारी कर रही थी। उठी हूँ सुबह सुबह सारा मैं की हूँ। और ये देखिए माता जी का सारा श्रृंगार है, मैं वही उनको अच्छे से दे रही थी। दे के उसके बाद मैंने सारा श्रृंगार किया माता रानी का सारा श्रृंगार उनके पैर में लगा के उसके बाद रख रही थी। सारा श्रृंगार जो भी मेरे पास था वही मैं रखते रही थी उनके पैरों को झुला के। इसके बाद फिर ये सिंदूर है, बिंदी है, और एक कपड़ा था पीला कलर का। और मैं एक चीज़ भूल गई थी ना, ये कल से मैं वो लगाना भूल गई थी, अरे क्या बोलते हैं रक्षा सूत्र, रोली बांधा जाता है ना चारों ओर से कल से, तो मैं वही लगाना भूल गई थी, बांधना भूल गई थी। तो बाद में मैंने उसको बांधा। और देखिए उसके बाद धूप जला रही हूँ। धूप जलाने के बाद फिर मैं पूजा करूँगी अपना जो भी रहेगा माता जी का, फिर पाठ करूँगी। पाठ वाला क्लिप शायद नहीं आपको कर पाऊँगी पूरा शेयर, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा क्लिप पाठ का शेयर करना, तो मैं थोड़ा सा शेयर करूँगी जो भी रहेगा। तो पहले मैं धूप दिखा दे रही हूँ सारे भगवान जी को, बाहर भी दिखाऊंगी। बाहर मेरी तुलसी मैया है और मेरे शनि देव भगवान जी हैं, तो उनको मैं दिखाऊंगी। तो सब पहले यहाँ दिखा दे रही हूँ उसके बाद। और एक बात आप लोग नोटिस कर रहे होंगे ना, मैं मुझे लग रहा होगा कि आप लोग मतलब मैं बाएं हाथ से कर रही हूँ ऐसा लग रहा होगा ना, लेकिन जो कैमरा है ना मेरा उल्टी साइड से है, फ्रंट साइड से तो उल्टा दिखेगा तो उल्टा ही आता है इसी वजह से। तो मैं कर रही थी दाहिने हाथ से, लेकिन लग रहा होगा आप लोगों को बाएं हाथ से कर रही हूँ, बाएं हाथ से नहीं कर रही थी मैं, दाहिने हाथ से कर रही थी। उसके बाद मैं अपना प्रसाद बना लूँगी, प्रसाद बना के रख दूँगी माता जी के पास, जो कि मैं चरणामृत बना रही हूँ उनके लिए। तो मैंने दूध लाया, उसका शक्कर थोड़ा सा मिलाया, फिर शहद मिलाया, और उसके बाद फिर मैं उसमें मखाने कुछ डालूँगी, फिर गंगा जल थोड़ा सा डालूंगी। मुझे नहीं पता कैसे बनाया जाता है, लेकिन जो भी था मेरे पास मैंने उससे बनाया। और उसके बाद फिर मैंने वही माता जी के लिए रखा। बोलते हैं ना सब लोग कि जो भी प्रेम से रखो और जो भी अच्छे से तैयार कर दो माता रानी उसी से प्रसन्न रहती हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे एकदम सुव्यवस्थित जो ना हो आपके पास उसके लिए एकदम परेशान रहो, जो है उसमें खुश रहो ना, जो है उससे अपना करो। तो मैं वही करती हूँ, जो मेरे पास रहता है मैं उसमें खुश रहती हूँ, उसी से मैं अपना काम करती हूँ। तो मेरे पास जो था वही मैंने माता जी के लिए रखा। प्रसाद में मैंने फल नहीं मंगवाया था क्योंकि मैं अपने लिए अकेली व्रत रहती हूँ, तो मैं इतने पूरे नहीं पूरे नवरात्रि के दिन में परेशान सबको करती हूँ कि क्या नहीं खाना, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, फल चाहिए सेव से, ये सब नहीं करती हूँ मैं। जो भी रहता है मैं उसी में खुश रहती हूँ। तो मैं अपना उसी में जो मेरे पास था वही मैं अपना कर रही थी। और उसके बाद मैंने पाठ शुरू कर दिया।
मैं पार्ट का थोड़ा सा कर दे रही हूँ, आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने पार्ट शुरू कर दिया है, और पार्ट का क्लिप बहुत लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैं पूरा पार्ट का नहीं दिखा पाऊँगी, जो भी रहेगा थोड़ा सा दिखाऊँगी आप लोगों को, आप लोग देखिए। तो मैं पार्ट कर रही हूँ माता जी का, उसके बाद पूरा पार्ट करके तब आप लोगों से मिलूँगी। और पूजा का जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा, आप लोग वीडियो देखिए कंटिन्यू। लाइट चली गई मेरी, मैं पाठ कर रही थी, लाइट चली गई, तो मैं फिर वही लाइट चलाने के लिए बोली, तो बाद में लाइट मेरी आ गई, और उसके बाद मेरा पाठ समाप्त हो गया। और ये देखिए मेरी आरती हो रही है, जो कि मैं आरती कर रही हूँ अपने भगवान जी का, पूरे भगवान जी का। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी आप लोगों से, मेरा मंदिर कैसा लगा ये आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। कि मुझे तो मेरा मंदिर पहले से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो कि मैंने, और अपने हाथों से जब भी काम करो ना, अगर अपने हाथों का होता है तो और भी अच्छा लगता है, अपने हाथों का करने का सुख कुछ दूसरा रहता है, इसी वजह से मैं जो भी करती हूँ अच्छा लग रहा है मुझे, मेरा मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है। मम्मी मम्मी भी बोल रही थी घर में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले, और मेरे वीडियो को पूरा कंटिन्यू वॉच करिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। जय माता दी, हैप्पी नवरात्र।